गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू इन AVM ऑनलाइन क्लासेस एंड इन आर प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड आर चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट एंड ऑन दैट डे वी डिड फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ दिस चैप्टर. सो रिकैप्चुलेट व्हाट वी रेड ऑन दैट डे. दिस इज अ प्ले ऑन द फेस ऑफ इट. एक प्ले है आपका जहाँ दो कैरेक्टर हैं आपके पास, मिस्टर लैम एन ओल्ड मैन विद अ 10 लैग और एक लड़का है यंग बॉय ऑफ 14 नेम डेरी एंड इज वन साइड ऑफ फेस इज बर्न्ड कि उसके चेहरे की एक साइड जली हुई है. और यहाँ तक अब तक दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है उससे हमें पता चलता है कि डेरी जो है वो काफ़ी नेगेटिव अप्रोच रखता है. और इसका रीज़न कि जिस तरह से दूसरे लोगों का उसके प्रति व्यवहार है, जैसे कि वो कहता है कि वो दूसरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, किसी के आसपास पसंद नहीं करता है, कि जिस तरह से वो लोग उसको स्टीयर करते हैं या जिस तरह से उसके ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं, तो उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. मिस्टर लैम हु हिमसेल्फ इज़ ए सफरर नोज इट वेरी वेल. एक एक्सपीरियंस पर्सन है, सारी चीज़ें समझता है, जानता है. तो बच्चे की उस स्थिति को समझ करके, उसकी मनोदशा को समझ करके और वो उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बात वो ऐसी नहीं कहता है कि जो उस बच्चे के लिए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कहीं भी उसने ऐसा नहीं कहा. तो इट्स अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ हिज टॉकिंग एंड द वे ही टेल्स द थिंग्स. तो एक काफ़ी अलग एटीट्यूड का पर्सन है, काफ़ी अलग उसका जो है कैरेक्टर है. और यहाँ भी वो कुछ ऐसी ही चीज़ें बता रहा है. तो डेरी जो है वो भी काफ़ी कुछ जानता है, जैसे अभी पिछली जो कन्वर्सेशन रही है कि लोग किस तरह से कहते हैं कि हमें जो है किस तरह के लोगों को देखना चाहिए जो बहादुर हैं, पेन में होते हैं कभी लेकिन रोते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं. या उन लोगों की तरफ देखें जो हमसे भी बदतर स्थिति में हैं, ठीक है. फिर इस तरह की इमेजिनेशन की, मान लो अगर तुम ब्लाइंड पैदा होते या बहरे पैदा हुए होते या तुम्हें अपना सारा जीवन एक व्हीलचेयर के ऊपर गुजार देना पड़ता या तुम पागल होते, दिमागी रूप से कमज़ोर होते एंड ड्रिबल वो जो लार वार से टपकती रहती है कई बार कि आदमी इस स्थिति में होगी उसे पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है. तो कहता है अगर ऐसी स्थिति होती तो इट मींस कि उसके पेरेंट्स ने या दूसरे उसके जो भी हैं बड़े उन्होंने उसे इस तरह की बातें समझाने की कोशिश की होगी. तो लड़का कहता है कि इस तरह की बातें मुझे भी पता है कि लोग जैसा कहते हैं. तो वेल, अब आगे चलते हैं कि कैसे क्या कुछ होता है. मिस्टर लैम एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट. कहता है बिल्कुल ये सारी बातें सही हैं, सच हैं और तुम जानते भी हो. तो डेरी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज. कहता है इस बात से, ये सारी बातें जानने से और इन बातों के सच होने से मेरा चेहरा नहीं बदलेगा. डू यू नो, वन डे अ वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट ए बस स्टॉप. तो कहता है कि आप जानते हैं एक दिन गली में से एक महिला जो है वो मेरे पास से गुजरी. कहता है मैं बस स्टॉप के ऊपर था एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन. कहता है वो एक दूसरी महिला के साथ थी. एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड. कहता है उसने मेरी तरफ देखा और कहा, थोड़ा हा पॉज लेकर, विस्पर्ड ओनली. कहता है धीमी आवाज़ में कहा उस दूसरी महिला को, आई हर्ड हर, ओनली आई हर्ड हर. कहता है केवल मैंने उसे सुना ऐसा कहते हुए. शी सेड, उसने कहा, लुक एट दैट. कहता देखो उधर, दैट्स अ टेरिबल थिंग, वो एक भयानक चीज़ है. दैट्स अ फेस ओनली ए मदर कुड लव, कि वो एक ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है. तो मिस्टर लैम कहता है सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन. तो कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम जो भी बातें सुनते हो सबके ऊपर विश्वास करते हो. तो डेरी कहता है इट वॉज क्रूअल, कि ये क्रूअल था, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा निर्दयी था, बहुत ज़्यादा दिल को दुखाने वाली बात थी. मिस्टर लैम कहता है मे बी नॉट मेंट एज सच. कहता हो सकता है ऐसा मतलब ना रहा हो जैसा तुमने इसको इंटरप्रेट कर लिया, जैसा तुमने इसका मतलब समझ लिया है. जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, कि शायद उनके बीच में आपस में कोई और बातचीत हुई हो, कुछ और कहा गया और उस किसी रेफरेंस में कहा जा रहा हो ऐसा कुछ हो. कहता ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड. कहता मैंने केवल इतना ही सुना, मैंने सुना. तो मिस्टर लैम कहता है एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन यूर लाइफ. तो लैम कहता है क्या केवल एकमात्र यही चीज़ है जो तुमने अपने जीवन में अब तक किसी एक व्यक्ति ने तुम्हारे को कही हो, तुमने ये सुनी हो बात, केवल यही एक ऐसी बात है जो आज तक सुनी है.
डैरी कहता है वो नो, अरे नहीं, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, कहता है मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत कुछ कहा गया है। तो मिस्टर लैम कहता है सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो कहता है अब तुम ऐसा करो अपने कानों को बंद रखो, कीप योर ईयर शट। तो डैरी कहता है यू आर पेक्युलर, यू से पेक्युलर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, कहता है आप पेक्युलर हैं, स्ट्रेंज हैं, दूसरों से अलग हैं पूरी तरह से, ठीक है, यू आर पेक्युलर स्ट्रेंज, आप अजीब बातें कहते हैं, कहता है आप क्वेश्चन पूछते हैं, कहता है मैं नहीं समझ पाता हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मिस्टर लैम कहता है आई लाइक टू टॉक, मैं बातें करना पसंद करता हूँ, हैव ए कंपनी, दूसरे लोगों के साथ होना मुझे अच्छा लगता है, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, और कहता है तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज़ ओपन, और कहता है तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम यहाँ रुके रहो मेरी वजह से, जैसे उसने पीछे कहा था कि मेरी वजह से तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कहता है मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, गेट इज़ ओपन, गेट खुला है, कोई आए कोई जाए, मैं कभी किसी को मना नहीं करता, किसी को आने से नहीं रोकता, कोई जाता है तो उसको जाने से नहीं रोकता। डैरी कहता है यस बट, हाँ लेकिन, तो मिस्टर लैम के आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, कहता है वहाँ उन पेड़ों के पीछे जो है ना मधुमक्खियों का छत्ता है मेरे पास, सम हियर बीज एंड दे से बीज बर्ड्स, कहता है कुछ लोग जो हैं वो बीज को सुनते हैं और उनकी आवाज़ को क्या कहते हैं, बीज को सुन करके उनकी जो आवाज़ होती है वो कहते हैं कि बीज जो है वो क्या कर रही हैं, दे आर बज बजिंग, भिनभिना रही हैं, बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब आप उनको काफ़ी लंबे समय तक सुनते हैं, दे हम एंड हम मीन सिंग, तो वो लगता है कि आपको हमिंग कर रही हैं, गुनगुना रही हैं, और गुनगुनाने का मतलब होता है गाना। तो कहता आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, कहता है मैं अपनी बीज को गाते हुए सुनता हूँ, गुनगुनाते हुए सुनता हूँ, ना कि भिन भिनाते हुए। तो इट मीन्स कि इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर ओन अप्रोच, हाउ डू यू टेक द थिंग्स। डैरी कहता है बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, कहता है लेकिन फिर थोड़ा हेजिटेशन के साथ आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं अंदर इसलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ ये अच्छा लगा सब कुछ जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा। तो मिस्टर लैम कहता है यू वुड सीन मी, सॉरी इफ यू वुड सीन मी यू हैड सीन मी, सॉरी इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, कि अगर तुमने मुझे देख लिया होता ना तो तुम अंदर नहीं आते। वो कहता है नो, नहीं, कहता नहीं, इट वुड हैव बीन trespassing, तो कहता है ये trespassing होती, trespassing illegal entry, यानी कि जहाँ हम कहीं भी बिना परमिशन के घुस जाएं उसे trespassing कहा जाता है, तो कहता है ये तो trespassing होती, illegal entry होती, आह that's not why, कहता है ये तो कोई कारण नहीं हुआ। तो डेरी कहता है I don't like being near people, कहता है मैं लोगों के आसपास होना, लोगों के पास में होना पसंद नहीं करता हूँ। When they stare, कहता है जब वो मुझे घूर के देखते हैं, मुझे स्टेयर करते हैं। When I see them being afraid of me, और जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझसे डरे हुए दिखाई देते हैं, तो कहता है इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे आसपास रहें या मैं लोगों के आसपास हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, तो कहता है फिर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, लॉक कर लो, और कभी भी उससे बाहर मत निकलो। देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट, और कहता है एक आदमी था जिसने ऐसा किया भी था, ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और कहता है वो डरता था हर एक चीज से, देखो तुम मतलब हर एक चीज से इस वर्ल्ड में, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो भी चीजें, उसे सभी चीजों से डर लगता था। ए बस माइट रन हिम ओवर और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, कि शायद कोई बस आए और उसके ऊपर से चढ़ जाए, उसके ऊपर से निकल जाए, उसको कुचल दे, या कोई व्यक्ति जो है वो डेडली जर्म्स को ब्रीद आउट करे, सांसों से जो है अपने डेडली जर्म्स को बाहर छोड़ दे और वो बीमार बीमार पड़ जाए, मर जाए।
और ए डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या कोई गधा उसको ऐसी लात मारे कि उसकी डेथ हो जाए, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और ही माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और कहता है या फिर ये जो लाइटनिंग होती है, बिजलियाँ बिजलियाँ गड़कती हैं, बिजलियाँ जो चमकती हैं, ये उसको स्ट्राइक करे और वो वहीं धराशायी हो जाए, या फिर वो शायद किसी लड़की के प्यार में पड़ जाए और लड़की जो है उसको छोड़ करके चली जाए, एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, या फिर केले की छिलके के ऊपर वो फिसल करके गिर जाए, एंड फॉल, एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और उसको देख करके लोग इतना हंसें कि पूरी तरह से पागली हो जाए। तो कहता है इस तरह की स्थिति है, हेड्स ऑफ। सो ही वेंट इन टू इन दिस रूम, तो कहता है इसलिए उसने क्या किया कि वो एक कमरे में चला गया, एंड लॉक द डोर, और उसने वहाँ जाकर के दरवाज़ा बंद कर लिया, एंड गॉट इन टू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर रहा, एंड स्टेड देयर, और वहीं रहा वो। तो डैरी पूछता है फॉर एवर, हमेशा के लिए? लैम कहता है फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। देन वॉट, तो डैरी जानना चाहता है फिर क्या हुआ। कहता है ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, कहता है एक तस्वीर जो दीवार के ऊपर लटकी हुई थी वो गिर गई उसके सर के ऊपर, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला, यानी कि उस तस्वीर की वजह से उसकी डेथ हो गई। डैरी लाफ से लौट, और ये बात सुनकर के डैरी जो है खिलखिला करके बहुत जोर से हंसता है। तो लैम कहता है यू सी, देखा तुमने? तो डैरी कहता है बट यू स्टिल से पिकुलर थिंग्स, कहता है लेकिन अब भी आप जो है ना बड़ी अजीब बात कहते हैं। तो लैम कहता है पिकुलर टू सम, कहता है कुछ लोगों के लिए अजीब लगती है, कुछ लोगों के लिए अजीब है। डैरी जानना चाहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, कहता है आप सारा दिन करते क्या हैं। तो लैम उसे बताता है कि सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमने सोचा था ना कि ये खाली घर है, बट इनसाइड इट्स फुल, लेकिन अंदर से ये भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, फुल पूरी तरह से। तो डैरी कहता है बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज, कहता है लेकिन खिड़कियों के ऊपर कोई किसी तरह की कर्टेन्स वगैरह नहीं है, पर्दे नहीं हैं। तो लैम कहता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मैं कर्टेन्स का शौकीन नहीं हूँ, पर्दे मुझे पसंद नहीं है, ऐसी चीज़ें मैं नहीं लगाता। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, कहता है अंदर की चीज़ों को अंदर बंद कर देना, बाहर की चीज़ों को बाहर बंद कर देना, यानी कि जो विंडो का काम होता है कि जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है अंदर की चीज़ों की बाहर की चीज़ों के लिए, और बाहर की चीज़ों को अंदर की चीज़ों के लिए, कहता है वो ख़त्म हो जाती है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, कहता है मुझे लाइट भी पसंद है, रोशनी भी पसंद है, अंधेरा भी पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड, और कहता है खुली हुई खिड़कियाँ ताकि हवा की आवाज़ को भी सुना जा सके। तो डैरी कहता है यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, कहता है हाँ मैं भी पसंद करता हूँ ऐसी, जिस समय बारिश हो रही हो, तो कहता है वो जब छत के ऊपर बारिश गिरती है तो वो आवाज़ सुनना मुझे भी बेहद पसंद है। तो ये पहली पॉजिटिव स्टेटमेंट निकली है उस लड़के के मुंह से। तो इस बात को सुनकर के लैम कहता है सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो कहता है इसका मतलब ये है कि तुम पूरी तरह से अभी इस दुनिया से कटे नहीं हो, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हो। कैसा है? नॉट ऑल टूगेदर, नहीं पूरी तरह से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम भी चीज़ें सुन सकते हो, सुनते हो। यू लिसन, सुनते हो। देखिए हियर में और लिसन में डिफरेंस होता है। लिसन डेलिब्रेट लिसनिंग, कि जो हम अपनी इच्छा से सुनते हैं, और हियर जो हमें ना चाहते हुए भी कोई आवाज़ सुनाई दे जाए उसे हियर कहा जाता है। तो अलग अलग वर्ड जो यूज़ किए गए हैं उसका समझें आप। अब आगे डायरी बताता है दे टॉक अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में बातें करते हैं डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे। किसकी बात कर रहा है दे? उसके पेरेंट्स, मदर एंड फादर। कहता है व्हेन आई एम नॉट देयर, कि जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ, व्हाट विल ही एवर डू, कि वो क्या करेगा कभी।
व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, और जब हम लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या होगा इस बच्चे का। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कि ये संसार में कैसे जिएगा, कैसे अपना काम चलाएगा, लुकिंग लाइक दैट, इस तरह से दिखते हुए, यानी कि जिस तरह उसका चेहरा जला हुआ, और कैसे ये अपना जो है जीवन गुजारेगा, विद दैट ऑन हिज फेस, दैट्स वॉट दे से। और ये सब कुछ वो कहते हैं, उसके पेरेंट्स कहते हैं, यानी कि इस तरह का वो एटीट्यूड और इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं उसे परेशान करती हैं, चुभती हैं। तो लैम कहता है, लॉर्ड, हे भगवान, लड़के, यू हैव गॉट टू आर्म्स, अरे तुम्हें दो बाजुएं मिली हुई हैं, टू लेग्स, दो पैर हैं तुम्हारे पास, आईज हैं, ईयर्स हैं, यू हैव गॉट ए टंग एंड ए ब्रेन, जीभ भी है तुम्हारे पास, दिमाग भी है, सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट लाइक ऑल द रेस्ट। कहता है जिस तरह से दूसरे लोग अपना जिस चाहे रास्ते पर चल सकते हैं, जिस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, वैसे ही तुम भी कर सकते हो, एंड इफ़ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। और एक बार अगर तुम चूज कर लो, तुम फैसला कर लो, अपने माइंड को सेट कर लो, तो तुम जो चाहो वो दूसरों से बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हो। तो लड़का कहता है कैसे, तो लैम कहता है सेम वे एज आई डू, कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करता हूं। तो अब डैरी जानना चाहता है उससे, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या कोई दोस्त हैं आपके, मित्र हैं? लैम कहता है हंड्रेड, सैकड़ों हैं, बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, कहता है लेकिन आप तो अकेले रहते हैं इस घर में, और ये तो घर भी बहुत बड़ा है, एक अकेले आदमी के लिए तो बहुत बड़ा घर है ये। तो लैम कहता है फ्रेंड्स एवरीवेयर, सभी जगह हैं दोस्त, पीपल कमिंग, लोग आते हैं, एवरीबडी नोज मी, हर एक मुझे जानता है, द गेट इज ऑलवेज ओपन, कहता है गेट खुला हुआ है, सभी का यहाँ आने में स्वागत है, दे कम एंड सिट हियर, वो लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ फायर इन विंटर, और कहता है सर्दियों में आग वाग जलाता हूँ मैं, तो यहाँ वो आग के पास आकर के बैठते हैं, आग के सामने बैठते हैं, किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए यहाँ आते हैं, एंड फॉर टॉफी, टॉफीज़ के लिए भी, आई मेक टॉफी विद हनी, कि मैं हनी से टॉफीज़ बनाता हूँ, उन चीज़ों के लिए भी बच्चे भी यहाँ आते हैं, एनी बडी कम्स, कहता है कोई भी आ जाता है, सो आई हैव यू, सो हैव यू, जैसे तुम आ गए इसी प्रकार से तुम भी आ गए, तुम भी यहाँ हो। तो डैरी कहता है कि बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। तो लैम कहता है सर्टेनली यू आर, कि निश्चित रूप से आप हैं, तुम मेरे मित्र हो, सो फार एज आई एम कंसर्न, कहता है जहाँ तक मेरी बात है, मेरा कंसर्न है, मेरा अपना सोचना है, तुम मेरे फ्रेंड हो। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कहते हैं आखिर तुमने ऐसा किया ही क्या है कि मैं ये सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, फ्रेंड नहीं हो, ऐसा क्या कर दिया है तुमने? तो डैरी कहता है यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और आप ये भी नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ, और इवन वॉट माई नेम इज़, और यहाँ तक कि आपको मेरा नाम भी नहीं पता है, मेरा नाम क्या है। तो डैरी कहता है वाई शुड दैट सिग्निफाई, कहता है इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्यों होनी चाहिए, Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box? तो कहता है क्या मैं तुम्हारे ये सारे particulars, तुम्हारी सारी details लिख करके रखूँ और फिर उनको जो है एक box के अंदर रख दूँ बंद करके, before you can be a friend, कि तुम मेरे friend बनो, उससे पहले क्या ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें की जानी ज़रूरी हैं कि तुम्हारे particulars details को जो है note down किया जाए और उनको जो एक box में file कर दिया जाए, वहाँ उनको रख दिया जाए, क्या ऐसा करना ज़रूरी है एक मित्र बनने से पहले? डैरी कहता है सपोज नॉट, नो, तो उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स, कहता नहीं, तो कहता है यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज, कि भाई अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहते हो, तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, और कहता है नहीं भी अगर तुम नहीं चाहते हो। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करता है, किसी भी बात के लिए ऐसा नहीं कहता है कि ऐसा कुछ किया जाए, बट इवन देन अ वेरी डिफरेंट वे of this person of inspiring as well as telling the boy how actually the things they are to be done or they are supposed to be in this world. So it's a very different way. Derry, only it's Derek, but I hate that. कहता डेरी, अपना नाम बताता है डेरी, लेकिन ये डेरेक है, लेकिन मैं नफरत है मुझे इससे, डेरी, डेरी ही सही है। If I'm your friend, you don't have to be mine.
आई चूज दैट। कह रहा ठीक है, अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ तो, लेकिन आप भी मेरे मित्र हों ये ज़रूरी नहीं है। आई चूज दैट, मैं फैसला करूँगा, मुझे चूज़ करना है। मैम कहता है सर्टेनली, निश्चित रूप से भाई, तुम्हारा फैसला तुम करोगे, तो तुम्हें देखना है, तुम्हें सोचना है। तो डैरी कहता है आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन। तो कहता है हो सकता है मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊँ, आप मुझे दोबारा कभी ना मिलें, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। तो कहता है फिर तो मैं आपका दोस्त नहीं रहूँगा ना। तो लैम कहता है वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो डैरी कहता हाउ कुड आई, कैसे हो सकता हूँ मैं, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम। कहता है आप गली में से लोगों के आसपास से गुजरते हैं, लोग आपके आसपास गुजरते हैं, और आप शायद उनमें से किसी से बोलते भी हों, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन आप उनको कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। तो इट डजेंट मीन कि दे आर फ्रेंड्स। तो कहता है इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो सभी आपके फ्रेंड्स हो गए, मित्र हो गए। लैम कहता है डजेंट मीन दे आर एनिमीज। तो कहता है इसका मतलब ये भी तो नहीं हुआ कि वो दुश्मन है, वो एनिमीज है। आइदर डज इट, क्या ऐसा है इसका मतलब। तो डैरी कहता है नो दे आर जस्ट नथिंग। कहता है नहीं, वो कुछ नहीं है, नथिंग, पीपल लोग हैं सिर्फ, दैट्स ऑल। तो लैम कहता है पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। कहता है लोग जो हैं वो कभी भी नथिंग नहीं होते, गलत है, कभी नहीं होते। तो डैरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट। तो डैरी कहता है कुछ लोग हैं जिनसे मैं हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो मिस्टर लैम दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो मिस्टर लैम कहता है ये जो तुम्हारी हेट है, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, कि ये जो तुम्हारा रवैया है, ये जो बात है, ये तुम्हें एक बॉटल ऑफ एसिड से भी ज़्यादा हार्मफुल है, तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। कहता है एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही जलाया है, ओनली बर्न्स योर फेस। तो डैरी ओनली, केवल। मिस्टर लैम लाइक ए बॉम ओनली ब्लू अप माई लेग। तो लैम कहता है जिस तरह से एक बॉम ने सिर्फ मेरी टांग को ही मुझसे जुदा किया है, मेरी टांग को ही ब्लो अप किया है, उसको ही डिस्ट्रॉय किया है। कहता है देयर इज वॉस थिंग्स कैन हैपन। कहता है चीज़ें इससे भी बुरी हो सकती हैं, इससे भी बदतर हो सकती हैं। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। कहता है जो हेट्रेड है, जो हेट है, वो ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपने आप को अंदर से जला लोगे। डैरी आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड। कहता है जब मैं घर वापस आया, तो यानी कि उसको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट करवाया गया होगा और रहा होगा, तो कहता है जिस समय मैं घर वापस आया तो एक व्यक्ति ने कहा कि ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर। तो कहता है इसके लिए यही अच्छा था कि ये वहीं रुकता, वहीं रहता, इन द हॉस्पिटल, वहीं अस्पताल में रहा होता ये, यहाँ आने की बजाय। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कि वो दूसरे इसके तरह से जो दिखने वाले लोग हैं और हैं उनके बीच में ही ये बेटर था, वहीं अच्छा था ये। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज। तो कहता है वो ऐसा सोचती है कि जो अंधे लोग हैं उन्हें दूसरे अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, जो इडियट बॉयज हैं, ठीक है, उनको दूसरे इडियट बॉयज के साथ ही रहना चाहिए, उसे ऐसा लगता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब तो जो पीपल हैं विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, कि जिन लोगों के पैर नहीं है, टांग नहीं है, वो सब इकट्ठे रहें। तो डैरी कहता है दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है ये बात आपकी। तो मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी। तब वो डैरी से जानना चाहते हैं लैम कि फिर वो किस तरह का संसार होगा, किस संसार की तुम बात कर रहे हो। At least there would be nobody to stare at you because you were not like them. तो डैरी कहता है कम से कम वहाँ कोई ऐसा तो नहीं होगा जो तुम्हें स्टेयर करे, जो तुम्हें घूरे, क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। तो अब वो जो डैरी है उसकी जो पीड़ा है अंदर की, कि उसके उस चेहरे के जलने की वजह से लोग जिस तरह से उसको घूर करके देखते हैं, लोगों का जिस तरह से उसके प्रति जो व्यवहार है, जो रवैया है, वो उसे बेहद पीड़ा पहुँचाता है, वो बेहद परेशान है, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। मिस्टर लैम कहता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस। तो इसलिए लैम कहता है तुम इसलिए ऐसा सोचते हो कि सारे के सारे दूसरे लोग जिनके चेहरे जले हुए हैं, तुम सब एक जैसे हो,
जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, तो यानी कि जिस तरह से तुम दिखते हो उस दिखने के हिसाब से तुम सारे एक जैसे हो गए, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए, अलग अलग वो कर दिया जाए। एवरीथिंग इज डिफरेंट, कहता है हर एक चीज़ अलग अलग है। एवरीथिंग इज द सेम, और हर एक चीज़ एक भी है, सेम भी है, यानी कि कुछ उसकी जो बेसिक्स होती हैं वो एक जैसी हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको अलग भी बनाती हैं, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन सभी चीज़ें अलग हैं इटसेल्फ। और एक इस तरह की स्टेटमेंट कि सारी चीज़ें एक भी हैं और सारी चीज़ें अलग भी हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो सभी के सभी जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, सभी के अंदर जो हैं कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, सभी के बॉडी के पार्ट्स सेम हैं, फंक्शन हैं, लेकिन लुक अलग अलग हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ अलग अलग हैं, अप्रोच अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये स्टेटमेंट को जो है जस्टिफाई किया जा सकता है कि एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो डेरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, कि आप ये सारी चीज़ें कैसे समझ लेते हैं, इन चीज़ों को कैसे इस तरह से इतनी अच्छी तरीके से। तो मिस लैम उसे फार्मूला बताता है, कहता है वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, कि चीज़ों को वॉच किया जाए, सुना जाए और फिर उनके ऊपर विचार किया जाए। डेरी कहता है आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, कहता है इस तरह की जगह मुझे भी बेहद पसंद है, एक गार्डन, एक बगीचा। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस, कहता है और मैं भी एक ऐसा घर पसंद करता हूँ जिसमें कोई कर्टेंस ना हो। तो मिस लैम कहता है द गेट इज ऑलवेज ओपन, कहता है गेट हमेशा खुला हुआ है। डेरी कहता है बट दिस इजंट माइन, लेकिन ये सब मेरा तो नहीं है। एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वॉन्ट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। तो लैम कहता है कि हर एक चीज़ तुम्हारी है अगर तुम चाहो तो, और जो मेरा है वो किसी का भी है, यानी वो सबके साथ शेयर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को सिर्फ अपने आप तक ही सीमित रखना चाहता हूँ, ये कहता हूँ कि यहाँ कोई दूसरा ना आए या कोई दूसरा इनको यूज़ ना करे। तो डेरी कहता है सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ, इवन इफ़ यू वर आउट, और तब भी जब आप यहाँ ना हों, यहाँ से बाहर हों, आई कुड कम हेयर, मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। मतलब सडनली, निश्चित रूप से, यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, और हो सकता है तुम यहाँ दूसरों को भी यहाँ पाओ। ओह, ये फिर वही मुसीबत वाली बात उस बच्चे के लिए, बताओ। मिस लैम कहते हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, तो कहता है उस चीज़ से तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़, वो चीज़ तुम्हें रोके ना, और तुम्हें उस चीज़ की परवाह करने की भी ज़रूरत नहीं है, माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरी कहता है कि इट वुड स्टॉप देम, ये उन लोगों को रोक देगी जो दूसरे लोग यहाँ आते हैं। दे वुड माइंड मी, वे मुझे माइंड करेंगे, मेरी परवाह करेंगे यहाँ होने के बाद। एंड व्हेन दे सॉ मी हियर, और जब वो मुझे यहाँ देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड लर्न, कि वो मेरे चेहरे को देखेंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे डर करके। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट आवर दिस चैप्टर। So, till reread up to here, try to understand what actually this conversation wants to convey, and we will do the remaining part in our next lecture. Thanks and have a very nice time.